I don't know, something is wrong with this lift. I'm trying to open. I don't know, दिखा रहा है 13 बजे आ रहा है, 12 बजे आ रहा था। बार बार दो बार रुका, मेरी तो जान प्राण अटक गई। This is one horrible experience. Yeah. I don't know what went wrong. There is something wrong with the lift, I think, and it's getting, you know, stuck. Well, the lift? Yes. Which one? Yeah, because I use this one. Oh my god. This one. Wait, this one. I was on 16th floor. No. Okay. And somehow I managed to, you know, come out from this. And there was lot of jerk. I don't know. A lot of what? Jerks. So many jerks. Jerks. Oh. Like lifts. Okay. Yes. Ah, okay. Let me send you one. No, I'll go by stairs. I'm fine. I'll go by stairs. I'm no, good. No, but is this one did you say? Yes, this one. Okay, let me. I'll go by stairs. Thank you. Then, bye. Okay. I'll try it. Yeah. Okay. Be careful. Bye. अरे यार, हम तो ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए क्योंकि हम बाहर निकल रहे थे, ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए हम वो किए, फोन निकाले, उतनी देर में बाहर से मतलब लिफ्ट रुक गई, इतना तेज झटका लगा ना, हम ऐसे हो गए, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था ना यार। मेरा मुंह पूरा गर्म हो गया, कितना उतरेंगे भाई सीढ़ी से। 11वें फ्लोर पे थे, नीचे जा रहे हैं, ऊपर चढ़ना होता नानी दादी याद आ जाती, रोगा के लिफ्ट से ही आते, नहीं लिफ्ट से नहीं आते, हम फिर भी पैदल चढ़ के चले आते, दोबारा उस लिफ्ट में नहीं जाते। हम सोचे जब वापस लौटेंगे फिर क्या करेंगे। फाइनली ग्राउंड फ्लोर पे आ गए। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, दिस मनीषा, यू आर वॉचिंग दिस क्रेजी। और आज तो भैया हालत ख़राब हो गई थी। एक्चुअली हमको बाहर जाना है किसी काम से और हम अकेले ही जा रहे हैं, सागर ऑफिस गया हुआ है, मे भी हो सकता हो अगर वो फ्री हो जाएगा तो हमको वहीं पे मिलेगा। लेकिन भाई हमको लिफ्ट में ना जब रुकी ना, हमको रोना आ गया था। अगर लाइट चली गई होती, अगर लाइट भी बंद हो गई होती ना, पक्का रो जाते हम। ओह माई गुडनेस। बट ठीक है, चलो कोई नहीं, अभी तो फिलहाल जहाँ जा रहे हैं वहाँ चलते हैं। हमको देख रहे हो, हम मेकअप वेकअप करके आए हैं, लेकिन हम बाल में कंघी नहीं लगाए हैं, ऐसे ही बाल धुलने के बाद ऐसे चोटी करके चले आए हैं बस। हम एक्चुअली लेट भी हो रहे हैं, वो लिफ्ट रुकने की वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए। हम बैंग ऑन टाइम निकल रहे थे लेकिन फिर वो लिफ्ट रुक गई। अरे भैया आज लेट भी हो जाते तो हमको कुछ वो नहीं था, बस बच गए। बहुत तेज तेज झटका आया था, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जो सबसे पहला झटका आया था वो सबसे तेज आया था। मिस्ड द ट्रेन, बहुत बुरा लगता है जब सामने से ट्रेन चली जाती है यार। हम स्टेयर्स पे थे और टी 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 बजने लगा था, पता था हम दौड़े फिर नहीं, हमको पता था कि हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। एनीवेज नेक्स्ट ट्रेन अभी आ जाएगी कितनी देर में, और टाइम लगेगा यार। काम वाम करके हम घर आ गए हैं, लेकिन अब हमको जाना पड़ेगा लिफ्ट से। और मेरा हालत है टाइट लिफ्ट देख करके। तो हम एक फ्रोजन पराठा खा लेते हैं, आलू का पराठा ही है, अभी
बाहर से आए हैं, मेरा मन नहीं है कुछ बनाने का। ये एक पराठा खा लेंगे और फिर हम वो देखेंगे। एक्चुअली हम ना एक पाकिस्तानी सीरियल देख रहे हैं, मेरे हमसफर। पाकिस्तानी सीरियल हमको अच्छे लगते हैं, अनलाइक हम लोग के यहाँ 500-500 एपिसोड चलता है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता यार, तो फिर वो इंटरेस्ट चला जाता है। हम अगर इंडियन कोई शो देखना चाहते हैं तो हम शुरू अगर कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है, फिर लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद वो लोग इतना खींचने लगते हैं ना कि मेरा मन हट जाता है। और अच्छी बात पाकिस्तानी सीरियल्स की ये है कि उतना लंबा खींचते ही नहीं है। मतलब मुद्दे को तुमको पहले एपिसोड में ही तुमको मुद्दा बता देंगे पूरा, मतलब मुद्दा बता देंगे कि किस मुद्दे के आसपास ये सीरीज़ होने वाली है। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, हमको तो वो ज़्यादा ठीक लगता है। 25-30 एपिसोड में मैक्सिमम ख़त्म हो जाते हैं उनके सीरियल, तो हमको वो अच्छा लगता है। तो अगले कुछ दिन अगर मैं उर्दू बोलने लगूँ तो आप लोग क्या कहते हैं वो मत होइएगा, आश्चर्यचकित मत होइएगा। फिर मैं बोलूँगी, अभी हम बोलते मैटर हो गया, फिर हम बोलेंगे मसला हो गया। हमको अच्छा लगता है वो लैंग्वेज भी, हमको बहुत बहुत अट्रैक्टिव, क्योंकि बहुत अदब से और बहुत ही यू नो इज्जत वाली लैंग्वेज है ना, तो हमको वो लैंग्वेज भी बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ेदार लगता है। देखिए ज़रा पराठे का क्या हाल है, मुसीबत के टाइम पे ये पराठा बहुत काम आता है मेरे, जब कुछ करने वाने का मन नहीं करता है, कुछ बनाने का मन नहीं करता है और अकेले भी हो तो ये वाला पराठा खा लेते हैं। वैसे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए लेकिन हाँ कभी कभी खाने के लिए ठीक है। यूट्यूब एपिसोड 10 देखना हमको, मेरे हम सफर एपिसोड 10। ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। इस सीरियल में बोला था कि अब 7 जन्म के लिए ये रिश्ता बन गया है, मतलब उन लोगों का शादी हो गया है। हम यहाँ पूछे इस आदमी से कि 7 जन्म के लिए चाहिए हम, तुमने जिस तरह से हाँ बोला ना। और हम लोग के अंडे की भुजिया बन गई है, धनिया पत्ती डाल दी। हम लोग डिनर कर रहे हैं और जरा बाहर धूप देखो, सन इज स्टिल अप, दिख नहीं रहा है लेकिन सन इज स्टिल अप और हम लोग डिनर करने जा रहे हैं। इधर बीच हो सकता है वीडियोस आने में थोड़ा इधर उधर हो जाए, थोड़ी तबीयत मेरी नासाज चल रही है। हाँ देख के नहीं लगेगा आपको लेकिन तबीयत मेरी नासाज चल रही है, एनर्जी बहुत है मेरे पास स्टिल, तो या ऐसा हो सकता है कि वीडियोस में थोड़े गैप हो जाए। गैप हो जाएगा तो समझ जाना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। ओके मटर लग रहा है ज्यादा डालनी है क्या बेबी, थोड़ा मटर कम डालना चाहिए था ना, यहाँ का मटर अच्छा नहीं, मीठा हो गया है। तो यार इसी के साथ इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।